तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। तो हमारी दूसरी कैटेगरी, हमने पहली के दो कैटेगरी खत्म की इस कोर्स में। पहली कैटेगरी हमने फाइल मेनू बार को खत्म किया, दूसरे हम होम मेनू बार में क्लिप बोर्ड, इसमें हमने कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशलाइजेशन चीजों को हमने कवर किया। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल में फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स क्या है, फॉर्मेटिंग वैसे वो भी फॉर्मेटिंग क्या है, देखिए किसी भी रिपोर्ट को अच्छा या खराब दिखाने का काम फॉर्मेटिंग होता है। जैसे खाना टेस्टी हो ये तो खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन खाना अच्छा दिख रहा है तो टेस्टी हो ना हो एक बार सब चखेगा जरूर। क्या सर, डेकोरेटेड है? तो अगर खाना बहुत ही टेस्टी है लेकिन देखने में इतना घिनौना लग रहा है तो आप फोर्स करने के बाद भी कोई उसको चखेगा नहीं। सेम चीज रिपोर्ट में होती है कि रिपोर्ट आपकी इंफॉर्मेशन से भरी हुई है बट अच्छे ढंग से फॉर्मेटेड नहीं है तो हर कोई उसको देखना और उस पे डिस्कस करने में दिक्कत होती है। तो फॉर्मेटिंग हमें थोड़ी सी कैटराइज करती है और रिपोर्ट को एनालिसिस करने में, रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करने में हमें काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ फाइल मेनू बार में आते हैं और फाइल मेनू बार में न्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मंथली पर्सनल बजट रिपोर्ट को हम एक बार ले लेते हैं। तो इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया गया। क्या इसमें कलर, अब जैसे यहाँ पे देखिए बोल्ड है, इसे पता चल रहा है कि हाँ ये टोटल है। यहाँ पे रेड है, पता चल रहा है कि माइनस में जा रहा है। माइनस तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती ना, बस पता चल जाता है कि हम देखते हैं। तो एक सही ढंग से किया गया है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग तरीके। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आपको करनी ही आती है, कलर अप्लाई करना, बॉर्डर अप्लाई करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये चीज आपको पता ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होंगे, उन चीजों पर आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टेंथ लिखा तो टीएच ऊपर नहीं गया, तो कभी इसकी जरूरत पड़ गई टीएच को ऊपर करने के लिए तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप फॉर्मेट सेल पे आए, साइड में कॉर्नर पे जो तीन का निशान बना है उस पर क्लिक करें, आपका फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, इसको सिलेक्ट करके ओके करें तो देखिए टेंथ हो गया। ऐसे आपको अगर मान लीजिए कि सेकेंड करना है, एनडी कर दिया, तो जिस लेटर को जिस करेक्टर को करना है उस पर आप डबल क्लिक करें और उसको आप सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल पे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आप जा सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट करें। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं टेंथ क्या बोलते हैं टेन स्क्वायर करना है तो, या 10 डिग्री करना, मान लीजिए 10 डिग्री करना है तो मैंने 10 लिखा और स्मॉल लेटर में हमने क्या दे दिया, ओ लिखा। और इस पे मैं एक मिनट हट गया, हाँ इस पे मैं क्लिक करता हूं और इस पे करता हूं सुपर स्कैन। तो इसी तरह से आप चाहोगे कि मैं 10 डिग्री कर लूं तो 102 और 2 को आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और आपने इसमें किया सुपर स्क्रिप्ट। अभी आपको दिख रहा है जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारा टेक्स्ट पे काम करता है, नंबर पे काम बिल्कुल नहीं करता है। सिंगल कोड में मैंने 102 लिखा और इस 2 को सिलेक्ट किया और फिर आप सुपर स्किप कर देते हैं। ठीक है, आ गया टेन स्क्वायर, हाँ क्लियर है जी।
अब इसमें अगला टॉपिक हम बात करते हैं, कि मुझे अगर नीचे करना, जैसे H2O लिखना है वाटर का फॉर्म, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ हाँ। अब इस टू को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सब स्किप कर दिया, ठीक है, क्लियर है। बट अगर ऐसे तो सुपर स्क्रिप्ट से भी हो सकता था ना ये, सुपर स्क्रिप्ट तो ऊपर जाएगा ना, नीचे की तरफ लाना ना मैं। अच्छा अच्छा ठीक 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 है ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इतना तो इसका हुआ, अब इसको हटाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी बोरर की, जैसे कि हम यहां पे कुछ नंबर्स लिख देते हैं। अब नंबर सही है या गलत है, मान लो कुछ नंबर इसमें गलत है, तो गलत कैसे पता चलेगा कि गलत है? तो इसके लिए आप प्रिंट आउट पे होता तो आप क्या करते, पेन से लेते हैं, क्रॉस का निशान लगा देते। लेकिन मैं इसको एक्सेल में करना चाहता हूँ, कि एक्सेल में कैसे करूं? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टिक थ्रू होता है, इसके जरिए कर सकता हूं, लेकिन ये इतना इफेक्टेबल नहीं है। तो मैं एक और काम करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं और चला जाता हूं फॉर्मेट सेल में और इसके बॉर्डर में, ठीक है। अब मैं यहां से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देता हूं, राइट ठीक है। और यहां से मैंने इसको क्रॉस किया और मैं इसको क्रॉस किया, अच्छा ओके कर दिया। अब आप F4 प्रेस कर सकते हो, F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट जो एक्शन आपने किया है ना उसी करता है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हाँ और सही का निशान जो होता है वो लगाना हो तो क्या करेंगे, उसका भी हम आपको बता देते हैं। यहां हम बॉर्डर पे आते हैं और हम इसको कलेक्ट करते क्लिक करते हैं और कलर चेंज कर लीजिए, अगर चौड़ी है तो जरूरत तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है। लेकिन ये तो फॉर्मेटिंग है, आप इसको कॉपी कर सकते, पता है इस पे फिल्टर लगाना है, इस पे आपको इससे कंडीशंस लगाने हैं, शॉर्टिंग करने हैं, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है, ठीक। आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है, राइट, ठीक, क्लियर है जी।
तो कैसे करें ताकि वो फॉर्मूला को रीड करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे कैप्स में P लिखेंगे, राइट और जहां जहां क्रॉस है वहां वहां O लिखेंगे कैप्स में, ठीक है। अब इस पे जो है हमारा सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे हम एक फॉन्ट होता है बिटैनिक बो, इसका आगे बोलते हैं बाइंडिंग टू, ठीक है, इस बाइंडिंग टू दिखा, हाँ। अब इस बाइंडिंग टू को हम अप्लाई करते हैं। तो बाइंडिंग टू क्या करता है कि जो कैप्स में पी लिखा हुआ है उसको जो है टिक का निशान दिखा देता है, जैसे राइट का निशान दिखा देता है, और जो क्रॉस है ओ है उसको क्रॉस दिखा देता है। तो एक्चुअली में विजुअल इसका चेंज हुआ है, लेकिन ओरिजिनल तो पी और ओ है, इसमें आप शॉर्टिंग फिल्टर सब कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें कभी कभी देखिए बाइंडिंग टू जो फॉन्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ द विंडो, कभी ऐसा हो सकता है कि विंडो की जो आपने अपडेट कर रखा है उसमें ये चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में यहां पे हम जो है यहां पे देखिए कैप्स में जे को रखते हैं और हमारे पास अलाइनमेंट है, इसको मैं माइनस 45 डिग्री के एंगल पे चेंज कर देता हूं, माइनस 45 डिग्री और क्रॉस तो है, लेकिन क्या एंगल का काम इसी चीज के लिए होता है, कोई और वर्क भी है, कोई और वर्क भी है, चलिए बताता हूं आपको इसका कोई और वर्क। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं डेट है हमारे पास, एक अटेंडेंस बना रहा हूं मान लीजिए मैं, और यहां पे मैं अपने डेट्स देता हूं और इसमें मैंने प्लस कर दिया 1 और फिर इसको कॉपी करके जहां तक चाहिए वहां तक पेस्ट कर देता हूं जहां तक चाहिए हमको, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे हम ले लिया, हाँ, और यहां पे हम कुछ नाम भी लिख देते, और यहां पे हम अटेंडेंस भी लगा देते, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। अब एक प्रॉब्लम है कि इसको हम एक पेज पे प्रिंट नहीं ले सकते, हम प्रिंट करने जाए तो एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा, 8 अगस्त तक ही हो रहा है क्या सर? हमने देखा कि हमारा डेटा तो छोटा है लेकिन क्या है कॉलम बड़े बड़े हैं, तो मैंने कॉलम के फील्ड को सिलेक्ट किया और यहां ऊपर अलाइनमेंट में यहां देखिए रैप टेक्स्ट अप है ना, इसको ले लिया और फिर हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक किया, हो गया सर? तो इस तरह की चीजें भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं चलिए।
उसके बाद कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम है उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको रैप करना है, आपने कुछ लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, तो आगे जा रहा है कॉलम से, अगर इस सेल में कुछ लिख जाएगा तो जनरली हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं, ऑटो फिट कर देते हैं, लेकिन मुझे ऑटो फिट नहीं करना है तो हम इसको रैप टेक्स्ट करते हैं। रैप टेक्स्ट, अब रैप टेक्स्ट में मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ एंट्री कर रहा हूँ उसके हिसाब से करूँ, क्योंकि तो रैप टेक्स्ट हमने अप्लाई कर दिया था तो स्पेस के बाद नीचे कर दिया, लेकिन मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ तो टाइपिंग करते समय ऑल्ट एंटर का यूज कीजिए, ऑल्ट एंटर, ठीक है। अब मैं रैप नहीं करना चाहता हूँ ना कॉलम को, रैप करने से मैं रो बड़ा हो जाता है, ऑटो फिट करने से कॉलम बड़ा हो जाता है, तो अलाइनमेंट में हमारे पास आता है श्रिंक टू फिट। क्या होता है श्रिंक टू फिट? श्रिंक टू फिट, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं फिर छोटा हो गया, जैसे हम इसको जैसे अपने कॉलम को हम बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा ओरिजिनल साइज तक बड़ा होगा। अच्छा, ऐसे मर्ज करना तो आप जानते ही हैं, कई सारे सेल्स को हमने लेके मर्ज कर दिया यहाँ पे, हाँ हाँ, मर्जेंट सेंटर, मर्जेंट, ओके, मैं माउस पैड लग रहा है खराब हो गया, ऐसे बदलना पड़ेगा कीबोर्ड का माउस पैड जो है वो काफी घिस गया है, तो ये मर्ज कर दिया। लेकिन इसमें मर्ज में ही हमारे पास होता है एक मर्ज अक्रॉस, क्लियर है? उसके बाद आपका नंबर फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग में थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जनरल मतलब कि जैसा टाइप करोगे वैसा फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आती है। हाँ, नंबर फॉर्मेटिंग में डेसिमल प्लेसेस है, ये थाउजेंड, ये आपका थाउजेंड सेपरेटर है, ये आपका नेगेटिव हो तो कैसा है, नेगेटिव कलर हो जाए या ब्रैकेट हो या ब्रैकेट कलर हो जाए, करेंसी में भी आपका सेम करेंसी का सिंबल या करेंसी कोड रख सकते हैं, माइनस प्लस रख सकते हैं, अकाउंटिंग में सिर्फ आप अपना करेंसी कोड ही दे सकते हैं, डेट अपने हिसाब से डेट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज का डेट ले सकते हैं, सेम आपका टाइम में होता है, क्योंकि टाइम में देखिए 37:30-35 है, इसका यूज कब करते हैं जब आपके पास मोर देन 24 आवर्स 45 घंटे 20 मिनट का फॉर्मेट है तो उसमें डालिएगा, ठीक है। परसेंटेज पता ही है, फ्रैक्शन जैसे आपने 2.5 रखा है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया दिखाएगा 2, 1/2 बाकी टैक्स सेल को टैक्स कर देता है, कस्टम में कोड है, राइट। तो इसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे सर। तो अभी मैंने आपको फॉर्मेटिंग ट्रिक्स किए हैं, अब अभी जो मुझे कोई एक फॉर्मेट बना के भेजिए, ओके, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट फॉर्मेट जैसे कि आपको मैंने दिखाया था ना, अच्छा वो अटेंडेंस टाइप से आप बोल रहे हैं? नहीं, हाँ अटेंडेंस, कोई भी एक फॉर्मेट बनाइए अटेंडेंस टाइप, नहीं जैसे कि अभी मैंने आपको टेम्पलेट डाउनलोड नहीं बताया था बजट वाला, कौन सा? आप एक काम कीजिए अटेंडेंस का और एक वीकली ट्रांसपोर्ट रोस्टर का, अटेंडेंस एंड वीकली ट्रांसपोर्ट रोस्टर, ठीक है, ठीक है, दो बना के भेजिए, ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो ये अभी भेजने के सर तुरंत? हाँ अभी भेजना है ना, तभी तुमने क्लास जल्दी खत्म किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बाद में ऑफिस ले जाओगे तो टाइम कहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ।